नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं हम आप तक 8 अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आपको बिहार में विधान परिषद चुनाव के नतीजे के बीच बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है। एक समय था जब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, लेकिन आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो उनका परिवार खौफ के साए में जी रहा है। पिछले दिनों शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम एक केस में दर्ज हुआ था, जिसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने बड़ा बयान दिया है कि हिना साहब ने कहा कि यदि उनके परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो सिवान छोड़ देंगे। बिहार के सरकारी विद्यालयों में नए सत्र का आगाज हो चुका है। अब शिक्षा विभाग द्वारा 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक के तकरीबन 1.25 करोड़ विद्यार्थी को पुस्तक क्रय हेतु राशि मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए विभाग ने तय किया है कि विद्यार्थियों को पुस्तक क्रय हेतु गर्मी की छुट्टी घोषित होने से पहले राशि बच्चों के खाते में उपलब्ध करा दी जाए। छठ व्रत के तीसरे दिन गुरुवार को घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार की सुबह आज यानी उदयमान सूर्य की अर्घ्य दिया जाएगा। चैती छठ व्रत के तीसरे दिन गुरुवार को घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय आस्था का महत्वपूर्ण चैती छठ सम्पन्न होगा। इसके बाद छठ व्रत प्रसाद वितरण कर पारण करेगी। अरिया, हाजीपुर, पटना, बक्सर आदि घाटों में किनारे हुजूम दिखाई दिया। अरिया के शहर में नदी और एसबी नहर किनारे जगह जगह डूबती हुई सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने घरों में भी छोटे छोटे वैकल्पिक तालाब बनाकर सूर्य पाषाण की पर्व को परंपरा निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने नहर और तालाब के किनारे पहुंचकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बेनीपुर दलित चेतना मंच की बैठक अम्बेडकर धर्मशाला बेनीपुर में अमोल पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान 13 अप्रैल एवं 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान 13 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या भव्य शोभा यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया गया। शोभा यात्रा जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम से निकालकर नंदापट्टी, नवादा, घुघडिया, धरोड़ा, बहेरा, आशापुर, बैरून तक निकल जाएगी। बैठक में प्रमोद पासवान, शैलेंद्र मोहन पासवान, पूर्व जीप सदस्य विष्णु देव पासवान, छोटे लाल पासवान, विष्णु देव राम नारायण पासवान, रंजीत पासवान, नीतीश कुमार, उमेश पासवान, अनिल पासवान, विनोद राम आदि शामिल थे। दरभंगा में वसंती नवरात्रि के पांचवें दिन बुधवार को मैया के पंचम स्वरूप स्कंद मांदा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह सार्वजनिक पूजा के आयोजन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। चारों ओर आस्था व भक्ति की ब्यार बह रही है। घरों में उत्सवी माहौल बना हुआ है। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पूजा स्थलों की सजावट का अद्भुत नजारा शाम ढलते ही देखने को मिलता है। रंग बिरंगे इलेक्ट्रिक बल्बों से सजे परिसर अद्भुत छटा खेल रहे हैं। लहरियासराय क्षेत्र अंतर्गत बलभद्रपुर रामानंद पथ में भी विगत 14 वर्षों से वैदिक रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ वसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ माँ की प्रतिमा स्थापित है। सुदूर गांव से लेकर शहर के कोने कोने से मैया के दर्शन को श्रद्धालु आते हैं। पूजा समिति के सचिव नवोद सिंह ने बताया कि पूजा के सफल आयोजन में समाज के लोग का भी बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। उधर विभिन्न पूजा समितियों की ओर से पंडाल व तोरण द्वारा निर्माण व साज सज्जा कराई जा रही है। गुरुवार को दोपहर बाद माँ दुर्गा के भक्त वीरभद्र मंदिर के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार को दुर्गा मंदिर के पट आम लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे। उधर ग्रामीण इलाकों में मेले की तैयारी भी अंतिम चरण में है। मंदिर के पास कई छोटी छोटी दुकानें सज गई हैं। इसे लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को डीएम राजीव रोशन व डीएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसमें रामनवमी को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि रामनवमी का त्यौहार 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन शहर में 70 से 72 जुलूस निकलेंगे। नाका 5 के पास सभी अखाड़ों का मिलन होगा। जिला शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी अपने सुझाव दिए। इसमें जुलूस के रास्ते में बिजली के लटके तार को हटवाने, कम ऊंचाई के ट्रांसफार्मर को ऊंचाई पर ले जाने, नशेड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, शहर की साफ सफाई करवाने, रामनवमी के दिन जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली सभी मुख्य मस्जिदों के पास पुलिस बल की व्यवस्था कर रखने, खराब चपाकलों की मरम्मत करवाने, निर्बंध जल पूर्ति की व्यवस्था करवाने, खराब सीसीटीवी को ठीक करवाने आदि
हैं। एसएसपी ने कहा कि सभी अखाड़े अपने वॉलंटियर्स के नाम पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र के साथ सूची 2 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दे, साथ ही पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर की व्यवस्था कर ले। उन्होंने डीजे का प्रयोग न करने की सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें, क्योंकि एक बार जुलूस निकल जाने के बाद फिर समिति के हाथ में नियंत्रण नहीं रहता। सोशल मीडिया पर अफवाह मिलने पर उसे शेयर न करें, सीधे डीएम, डीएसपी, डीएसपी और संबंधित थाना को उपलब्ध कराएं। बैठक में मेयर मुनि देवी, उप मेयर भरत सैनी, जीप अध्यक्ष रेणु देवी, सदर एसडीपीओ स्पर्श गुप्ता, प्रशिक्षक आईपीएस विक्रम सिंह, डीआरएफ डायरेक्टर गणेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अध्यक्ष ओम प्रकाश, पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय अमित कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी शामिल थे। स्थानीय प्राधिकरण पश्चिम चंपारण निर्वाचन क्षेत्र से राजद के इंजीनियर सौरभ कुमार चुनाव जीत गए हैं। 3 बार विधान पार्षद रहे राजेश कुमार चुनाव हार गए। 2015 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राजेश राम विधान पार्षद का चुनाव जीते थे। वे फिलहाल जदयू के उम्मीदवार थे। हालांकि प्रथम वीरता में मतों की गिनती में सौरभ कुमार को कुल 2132 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस में आफाद अहमद को 1621 मत मिले थे। वहीं जदयू के राजेश कुमार को महज 632 मत ही मिला था। प्रथम वीरता मतों की गिनती का रुझान देख कर ही पता चल गया कि 3 बार विधान पार्षद रहे राजेश कुमार को इस बार मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया, जबकि पहले बार चुनाव राजनीति में आए कांग्रेस के आफाक अहमद ने टक्कर दी। बता दें कि विधान परिषद चुनाव में कुल 7 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल मतों की संख्या 4809 थी, जबकि 338 मत अवैध घोषित हुए। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के आफाक अहमद तथा तीसरे स्थान पर निवर्तमान पार्षद जदयू के राजेश राम है। खगड़िया के मानसी थाना के कुश्ती ओवर ब्रिज पर ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को टक्कर मार दी। घायल शिक्षक की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घर से स्कूल जाने के दौरान हुआ यह हादसा। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। शराब माफियों द्वारा हत्या की आशंका बताई जा रही है। मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। शराब माफियों द्वारा हत्या की आशंका बताई जा रही है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र में जेके फार्म के दुकानदार ने बदमाशों के रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार से मारपीट की गई। 5 से 7 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। परसा बाजार के फतेहपुर गांव में 27 वर्षीय युवक ने अपने कमरे में ही फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अवसाद में आकर युवक ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों से बताया कि नीपू कुमार का दिमागी संतुलन पिछले कुछ महीनों से बिगड़ गया था। पत्नी सुमिता देवी ने परसरा बाजार थाना को बीते बयान में बताया कि सुबह वह जागी तो कमरे में पति को फंदे से लटका देखा। देख शोर मचाया परिवार और आसपास के लोगों ने नीपू कुमार को फंदे से उतार कर, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। शिवान में भीषण सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के बहनपुरी पेट्रोल पंप के पास की है। गुरुवार अगले सुबह करीब 5:30 बजे एम्बुलेंस ने हाईवे किनारे खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रामनवमी पर पटना शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात की नई व्यवस्था पटना में 9 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 10 अप्रैल की रात 11 बजे तक रहेगी। इस दौरान कार्डनबाला चौराहा और आर ब्लॉक के साथ अन्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। निजी या व्यवसायिक वाहन प्रतिबंध में मार्ग में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही महावीर मंदिर पहुँचने वाले भक्तों के लिए भी व्यवस्था की गयी।